देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने भयानक रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को यहां नए केसेस की संख्या ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में 2137 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए। इसी के साथ दिल्ली में कोविड 19 के मरीजों की संख्या 36,824 हो चुकी है। पिछले 15 दिन के आंकड़े देखें तो दिल्ली और चेन्नई में मुंबई से दोगुनी रफ्तार से कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में अहमदाबाद से 3 गुना तेजी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं। देश के 4 महानगरों का एनालिसिस बताता है कि वहां हालात कितने ख़राब हैं। चारों को मिला दें तो देश के 44% कोरोना केसेज यहीं पर हैं। 11 जून तक देश में कोविड 19 से जितनी मौतें हुई उनमें से 43% इन्हीं 4 महानगरों में हैं। मुंबई में कोरोना के 54,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहां रोज़ 1,000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। हालांकि इन्फेक्शन रेट चेन्नई और मुंबई में तेज़ी से बढ़ रहा है। 29 मई के आंकड़ों के हिसाब से चेन्नई में 105% तो दिल्ली में 100% मरीज बढ़े हैं, जबकि मुंबई में 29 मई के मुकाबले 52% केस बढ़े हैं। पूरे देश में पिछले 2 हफ्तों के दौरान मामलों की संख्या में 72% का इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट बेकाबू होता दिख रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह 11 बजे एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस मीटिंग में दिल्ली में कोरोना संकट की स्थिति का जायजा लिया जाएगा, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA के सदस्य भी हिस्सा लेने वाले हैं।